पहले तो वो ये बताए कि वो छोड़ करके क्यों गए थे, क्या स्वार्थ था उनका, क्यों उन्होंने हमारा और बसपा का आपस में गठजोड़ था, और इस तरह के हालात प्रदेश में थे, हर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये बात थी कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे, राज बनाएंगे। इन्होंने अनुशासनहीनता क्यों करी और क्यों उस हमारी चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस के ऊपर सारा ड्रामा रच, फिर ये पार्टी छोड़ करके भागे, किसके इशारे पे भागे, क्यों भागे, इस बात को भी स्पष्ट करें। ये सारी चीजें स्पष्ट करने के साथ साथ वो ये जरूर बताएं कि जब से तुम लोग छोड़ करके गए हो, तुमने कभी ये जाना कि चौटाला साहब बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे? वो बात याद करो पहले कि चौटाला साहब को आधी रात को इन्होंने हॉस्पिटल से जेल भिजवाया, क्या वो भूल गए? अब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी खत्म हो गई, ये सामाजिक रूप से भी खत्म हो गए और ये राजनीतिक रूप से भी खत्म हो गए। आज देखा नहीं आपने कैसे भगदड़ मची हुई है जसपा के नेताओं की, कैसे सब लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो इनके विधायकों ने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया, वो भी जाने लगे। और चौटाला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कई दफा ये बात कही कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ये गद्दार है, इन्होंने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। चौटाला साहब के साथ इन्होंने दगा किया, धोखा किया, जिनकी वजह से इनका राजनीतिक करियर बना। चौटाला साहब की वजह से ही अजय सिंह एमपी बना, चौटाला साहब की वजह से ही अजय सिंह राज्यसभा का मेंबर बना, चौटाला साहब की वजह से एमएलए बना, उसकी वाइफ एमएलए बनी, उसका बेटा एमपी बना। ये सारी की सारी देन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सीट जीत के आए थे। आगे मुझे लगता नहीं कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी बचे, ये नॉमिनेशन फाइल करने से भी डरेंगे, इनको ये डर रहेगा कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। जो ये कहते थे रोजाना कि एक एक थी इन्हें लोग ये कहेंगे, आज उस अजय सिंह को फिर इन्हें लो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहता है कि हमें बुलाएं तो आज हम चले जाएं? उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था, तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे, तुमने किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम। अब जब तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो गया, अब जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें घुसने नहीं देते, लोग तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जिनको मैं भी अगर देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो मुझे भी बहुत शर्म आती है कि किस परिवार को कौन किस तरह की गाली दे रहा है। एक वक्त था कि चौधरी देवलाल के परिवार का अगर कोई नाम ले लेता था गलत तो लोग उसका गला पकड़ लेते थे, और इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है, चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का से लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेने, ये अनुशासनहीन लोग थे। ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए, ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे, तो चलो किसी तरीके से पार्टी को चलाना है तो ऐसे लोगों को पड़े रहना, ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे, इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है, ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। अब कहीं जाएंगे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, अब तो ये सामाजिक तौर पर भी खत्म है, कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं, क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया था ये उस पर कलंक है, ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं है, अब इनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए। पहले तो वो ये बताए कि वो छोड़ करके क्यों गए थे, क्या स्वार्थ था उनका, क्यों उन्होंने हमारा और बसपा का आपस में गठजोड़ था, और इस तरह के हालात प्रदेश में थे, हर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये बात थी कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे, राज बनाएंगे। इन्होंने अनुशासनहीनता क्यों करी और
क्यों? उस हमारे चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस के ऊपर सारा ड्रामा रच, फिर ये पार्टी छोड़ करके भागी, किसके इशारे पे भागे, क्यों भागे, इस बात को भी स्पष्ट करें। ये सारी चीजें स्पष्ट करने के साथ साथ, ये सब बातें स्पष्ट करने के साथ साथ वो ये जरूर बताएं कि जब से तुम लोग छोड़ करके गए हो, तुमने कभी ये जाना कि चौटाला साहब बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे? वो बात याद करो पहले कि चौटाला साहब को आधी रात को इन्होंने हॉस्पिटल से जेल भिजवाया, क्या वो भूल गए? अब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी खत्म होगी, ये सामाजिक रूप से भी खत्म हो गए और ये राजनीतिक रूप से भी खत्म हो गए। आज देखा नहीं आपने कैसे भगदड़ मची हुई है जसपा के नेताओं की, कैसे सब लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो इनके विधायकों ने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया, वो भी जाने लगे। और चौटाला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कई दफा ये बात कही कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ये गद्दार है, इन्होंने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। चौटाला साहब के साथ इन्होंने दगा किया, धोखा किया, जिनकी वजह से इनका राजनीतिक करियर बना। चौटाला साहब की वजह से ही अजय सिंह एमपी बना, चौटाला साहब की वजह से ही अजय सिंह राज्यसभा का मेंबर बना, चौटाला साहब की वजह से उसकी वाइफ एमएलए बनी, उसका बेटा एमपी बना। ये सारी की सारी देन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब की बार अपने दम के ऊपर 10 सीट जीत के आए थे। आगे मुझे लगता नहीं कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी बचे, ये नॉमिनेशन फाइल करने से भी डरेंगे, इनको ये डर रहेगा कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। जो ये कहते थे रोजाना कि एक एक थी इनेलो, लोग ये कहेंगे आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ, फिर ये कैसे कर